रमाकांत, पराग, लगता है कि शिप के प्रोपेलर में कोई पुराना जाल अटक गया है जिसकी वजह से इंजन बंद हो गया है। डाइव करके तुम दोनों को उस जाल को निकालना होगा। सर, इस काम के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मुझे किसी रमाकांत की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे बेटर ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो तुम्हें प्रमोशन क्यों नहीं मिला? स्टॉप फाइटिंग। ये वक्त पुरानी बातों को लेकर आपस में झगड़ने का नहीं है। अगर हमारे चीफ ड्राइवर श्रीवास्तव का हाथ ठीक होता तो मैं तुम दोनों की बजाय उसको भेजता। स्टॉप फाइटिंग और डाइव के लिए तैयार हो जाओ। ओके, तबे, तबे, और तुम और जॉनसन अपने डाइविंग सूट पहनकर नीचे पानी में जाओ और एक स्पेयर सिलेंडर लेकर जाना। मूव मूव, कम ऑन, और जाकर पराग को बचाओ। कम ऑन। से कौन गया था इसके साथ नीचे? सर, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। सर, सर मैं माँ की कसम खाता हूँ सर, मैं तो पराग को जिंदा छोड़कर आया था सर। दो ड्राइवर एक साथ नीचे उतरते हैं, उनमें से एक ऊपर आ जाता है और दूसरा नीचे रह जाता है क्योंकि उसके सीने में चाकू घोंपा गया है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बात का यकीन करूं? यूर अ मर्डरर रमाकांत। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरेस्ट हिम। सर, ये मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, सर मेरा यकीन कीजिए सर। सर, टाइम 40 सेकंड। ओह डैम, क्या स्पीड है केजी। अरे क्या क्या स्पीड है मिसेस बिलमोरिया, आप जानती है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? 6.24 सेकंड्स, 7 सेकंड से भी कम। और ये रिकॉर्ड एक 16 साल के लड़के ने कायम किया है। इम्पॉसिबल, इतना कम टाइम कैसा?
अरे कैसा क्या, आओ मैं आपको इंटरनेट पे बताता हूँ। ये देखिए 6.24 सेकंड। मिस्टर केडी पाठक जी। नमस्ते, मेरा नाम सावित्री देशपांडे है। मेरे स्वर्गवासी पति विद्याधर गोखले के बहुत ही अच्छे मित्र थे। अरे गोखले सर, माय गुरु। आइए आइए प्लीज बैठिए। गोखले सर ने मुझे लॉ के बारे में सब कुछ सिखाया। वैसे उनके घर का नंबर चेंज हो गया उसके बाद में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मिले नहीं। कहाँ है गोखले सर आजकल? उनका पता तो मेरे पास भी नहीं है, उन्हें ढूंढते ढूंढते ही मैं आप तक पहुंची हूँ। मुझे किसी ने कहा आप उनके सबसे होनहार छात्र हो। ये तो पता नहीं, लेकिन बताइए आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मेरा बेटा रमाकांत देशपांडे जो एक पानी के जहाज कंपनी में डाइवर का काम करता है, उसे दूसरे डाइवर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। अब झूठ क्या है, सच क्या है, ये बताने वाली भला मैं कौन होती हूँ? बस इतना चाहती हूँ आप सच तक पहुंचे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मिसेस देशपांडे, सच की तह तक पहुंचना ही मेरा काम है। सच तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की तह तक पहुंचना होगा, क्योंकि कत्ल समुद्र के गहराई में हुआ है। मैंने पराग को नहीं मारा जज्जा, मैं और पराग शिप के नीचे गए थे क्योंकि शिप के प्रोपेलर में जाल फंस गया था। उसी जाल को हटाने के लिए, उसी जाल में पराग का पैर फंसा था और फिर उसके सिलेंडर ने भी काम करना बंद कर दिया। मैंने बहुत, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगी। यही सिलेंडर था ना जो आपके साथी ड्राइवर पराग ने पहना था? जी। पर ये तो परफेक्ट कंडीशन में है, इसमें कोई खराबी नहीं, तो प्लीज झूठ मत बोलिए। योर ऑनर, पराग झूठ क्यों बोलेगा कि उसका सिलेंडर काम नहीं कर रहा था? प्रोसिक्यूटर साहब, ये एक मशीन है जो कभी भी चलते चलते खराब हो सकती है। As you say, KD. Go on, Mr. Ramakant. जैसा फिर मैं ऊपर गया और मैंने कैप्टन खान को बोला कि पराग के लिए जल्द से जल्द मदद भेजे। यानी कि दो डाइवर्स जॉनसन और तांबे। जी। आइए आगे की कहानी उन्हीं से पूछते हैं। जी, कैप्टन खान के कहने पर मैंने डाइविंग सूट पहना और फिर मैं और तांबे पानी में कूद गए। वन मोमेंट, आप तीनों में से आगे कौन था? जी रमाकांत सर। फिर हम तीनों जाल के पास पहुंचे, वहां पराग सर नहीं थे। फिर हमें लगा कि वो गहरे पानी में गए होंगे, इसलिए हम समुंदर के तय तक गए। इस बार आप तीनों में से आगे कौन था? जी फिर से रमाकांत सर ही आगे थे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पराग सर की बॉडी मिली और वहां ये चाकू मिला। उसके बाद मैंने और रमाकांत सर ने डेड बॉडी को पानी के बाहर निकाला। क्या आप जॉनसन और तांबे के बयान से सहमत है रमाकांत, ऐसा ही हुआ था? जी। डाइव के दौरान पराग को ढूंढते हुए आप इन दोनों के आगे तैर रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि जॉनसन और तांबे कातिल नहीं हो सकते? जी बेशक, और मैं भी कब कह रहा हूँ कि इनमें से किसी ने खून किया है, लेकिन खून मैंने भी नहीं किया है मैडम। पराग को इस चाकू से मारा गया जो एक डाइवर्स नाइफ है और इस पर आपके इनिशियल्स हैं आरडी रमाकांत देशपांडे। क्या यह नाइफ आपका है? जी ये मेरा ही नाइफ। स्टॉप नाउ।
Order, order. Quiet in the court, please. Your Honor, पराग का खून रमाकांत ने कैसे किया, इस वक्त उस बात को छोड़ देते हैं। रमाकांत ने पराग का खून क्यों किया, उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। रमाकांत और पराग की आपसी दुश्मनी की मशहूर कहानी उन्हीं के बॉस कैप्टन असलम खान की जुबानी। जी योर ऑनर, रमाकांत और पराग की आपस में कभी बनी नहीं, और जब से मैंने पराग को प्रमोशन दिया तब से रमाकांत और पराग के बीच में तनाव और बढ़ गया, खासतौर से रमाकांत की तरफ से। वो पराग की पोजीशन चाहता था। कैप्टन खान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन क्या यह सही नहीं कि पराग की मौत के बाद आपने वो पोस्ट अपने भांजे को दे दी है? जी, वो मिलनी तो रमाकांत को ही थी, लेकिन इस पर तो कत्ल का इल्जाम है। राइट, कैप्टन खान, आप ही ने उस दिन रमाकांत और पराग को नीचे पानी में भेजा था प्रोपेलर से जाल निकालने के लिए, राइट? जी। तो आपको कैसे पता चला कि प्रोपेलर में जाल अटका है? जी, शिप का निचला हिस्सा हल, हमने वहां अंडरवाटर कैमरा फिट किए हुए हैं, उसी पर देखकर मैंने पता लगाया कि प्रोपेलर में जाल फंसा हुआ है। कैप्टन खान, जिस कैमरा की आप बात कर रहे हैं वो उस दिन के एक हफ्ते पहले से बिगड़ा हुआ पड़ा था। इनफैक्ट योर ऑनर, अगर वो कैमरा ऑन होता तो हमारे पास पराग के मर्डर की तस्वीरें होती। Isn't that right, कैप्टन खान? जी सॉरी, मेरी गलती है, मैंने कैमरे में देखकर नहीं बल्कि शिप के इंस्ट्रूमेंट पैनल में देखकर ये अंदाजा लगाया कि शिप के इंजन रुकने की वजह प्रोपेलर में जाल होगा। ये पराग का ऑक्सीजन टैंक है, इसका मीटर रीडिंग कहता है कि ये फुल है। ऐसा कैसे हो सकता है कैप्टन खान? पराग इसे सांस ले रहा था, ये टैंक अभी भी फुल कैसे हो सकता है? जी आई थिंक एक मिस्टेक है, हमारे शिप के डाइवर्स के ऑक्सीजन टैंक्स काफी पुराने हो चुके हैं और ये अक्सर गलत रीडिंग दिखाते हैं। इससे डाइवर की जान भी जा सकती है, आप कैप्टन होके ये सब होने देते हैं? कैप्टन खान, क्या आप किसी भी वक्त पानी में उतरे थे? कोर्स नॉट, मेरे डाइवर्स के होते हुए मैं भला पानी में क्यों उतरूंगा? तो फिर ये चाकू आपने 200 फुट नीचे डाइवर पराग को नहीं मारा होगा। अनलेस आपने 200 फुट की ऊंचाई से निशाना लगाकर इस चाकू को फेंका। What do you say, Mr. K.D. Pathak? I say, don't be sarcastic, Miss My Effortless. Your Honor, मैं ओमेगा लाइनर के चीफ डाइवर मिस्टर जय श्रीवास्तव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर जय श्रीवास्तव, आप उस दिन डाइव पर जाने वाले थे लेकिन अचानक आपके हाथ को कुछ हो गया, क्या हुआ था? हाथ को नहीं, कंधे को। एक्चुअली एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से मेरा कंधा बार बार डिसलोकेट हो जाता है, इसलिए। तो फिर आप अपने कंधे को लोकेट कैसे करते हैं? खुद से ही हाथ को थोड़ा खींचकर, लेकिन उसके लिए कुछ दिनों की सावधानी बरतनी पड़ती है और इसीलिए मैंने उस दिन डाइव नहीं किया था। मिस्टर श्रीवास्तव, आपके इस डिसलोकेटेड शोल्डर की कहानी बड़े काम की है लेकिन झूठी है। क्योंकि ये जो एक्सरे आप अपने शिप के मेडिकल ऑफिसर को बार बार देते हैं वो आपका नहीं, आपके भाई का है। इनफैक्ट योर ऑनर, जब बाइक एक्सीडेंट हुआ था वो भी इनका नहीं, इनके भाई का हुआ था। बताइए मिस्टर श्रीवास्तव, बार बार आप अपने मेडिकल ऑफिसर को ये झूठी रिपोर्ट क्यों देते हैं?
छुट्टी लेने के लिए सर। यानी कि काम चोरी और कुछ नहीं? जी जी हाँ, भला और क्या वजह हो सकती है सर, यही वजह थी बस। डिफेंस को लग रहा है कि आपने अपनी डिसलोकेटेड शोल्डर का बहाना बनाया ताकि उस दिन आप डाइव करने से बच जाए। शायद आप जानते थे कि पानी के नीचे पराग का कत्ल होने वाला है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पराग तो मेरा बहुत गहरा दोस्त था। मैं तो रिलैक्स मिस्टर श्रीवास्तव, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? जी मैं ऊपर डेक पर था। आप चाहे तो कैप्टन खान से पूछ लीजिए। यानी कि डेक पर आ और आपसे दूर पानी की तह में 200 फुट की गहराई में डाइवर पराग, जहां पर किसी ने उसका खून किया। ऑब्वियसली वो आप नहीं थे, राइट केडी? योर ऑनर, वाटरटाइट केस वो होता है जहां मुलजिम के बचने की जरा भी गुंजाइश ना हो। और इत्तेफाक देखिए, वाटर में मर्डर होने की वजह से ये केस और भी वाटरटाइट हो गया है। कैप्टन खान ने दो डाइवर्स को पानी में नीचे भेजा 200 फुट की गहराई में। उनमें से एक ऊपर आया और थोड़ी देर बाद दूसरे की लाश ऊपर आई। मिस्टर रमाकांत, समंदर में उस वक्त आसपास कोई और शिप या कोई और डाइवर था? जी नहीं। इन शॉर्ट, पानी में दूर दूर तक, मीलों तक कोई तीसरा इंसान नहीं था। और जो बाकी के सब लोग थे, जैसे कि कैप्टन खान, डाइवर्स तांबे और जॉनसन, चीफ डाइवर श्रीवास्तव, डिफेंस के सारे सस्पेक्ट्स, सब शिप की डेक पर थे, एक दूसरों की नजरों के सामने, जहां उनका ये खून करना नामुमकिन था। राइट मिस्टर रमाकांत? जी। फैंटास्टिक। और पानी में था कौन? डाइवर रमाकांत और डाइवर पराग। रमाकांत की पराग से दुश्मनी, पराग की मौत रमाकांत के नाइफ से। मैटर फिनिश्ड, दैट्स इट, ओवर। योर ऑनर, अब ये केस शीशे जैसा साफ हो गया है, और शुड आई से पानी जैसा साफ। विदाउट अ डाउट, ये खून रमाकांत देशपांडे ने किया। Your Honor, मेरी थ्योरी के मुताबिक, डिफेंस काउंसिल प्लीज, आप अपनी थ्योरी अपने पास ही रखिए। अगर आप ये केस जीतना चाहते हैं तो आपको साबित करना होगा कि वहां कोई तीसरा था जिसने पराग का खून किया। माया इज राइट किडी, माया की दलीलों के बाद तुम्हारा केस बहुत ही कमजोर हो गया है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारे पास अब केस ही नहीं रहा। सॉरी केडी, तुम्हारा केस डूब गया। अगर एक भी सुराग मिल जाए तो मैं ये केस घुमा सकता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल यह हालात है कि तुम्हारे अपने बहन ने तुम्हारे केस को कमजोर कर दिया। तुम और पराग अकेले पानी में, और फिर जॉनसन और तांबे तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बाद पानी में उतरे। इट्स वेरी टफ रमाकांत, वेरी टफ। 4 साल मैं घर पे बेरोजगार बैठा हुआ था। बड़े हाथ पर मारने के बाद मुझे नौकरी मिली थी। घर पे जश्न सा हुआ था, आखिर 8 लोगों का परिवार। एक भाई जिसकी पढ़ाई अभी बाकी है, एक घर जिसका किराया बड़ी मुश्किलों से भरा जाता है। अब ना घर रहेगा, ना माँ का इलाज, ना भाई की पढ़ाई, ना बहन का रिश्ता। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। रमाकांत, तुम्हारे पिता के मित्र, मेरे गुरु गोखले सर, उन्होंने एक बात सिखाई थी मुझे कि हारती हुई बाजी में भी कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। डोंट वरी,
मैं तुम्हारे केस को तुम्हारी उम्मीदों को डूबने नहीं दूंगा। यही वो जगह जहां से पराग और रमाकांत पानी में उतरे थे। अरे श्रीवास्तव, अब कंधा कैसा है तुम्हारा? ठीक है, चलो ले चलो मुझे नीचे। कहाँ? पानी में। डोंट वरी, मैंने स्क्यूबा डाइविंग का कोर्स किया। ये सूट पहनना तो दूसरी खाल पहनने जैसा है यार। कंफर्टेबल सर? हाँ तांबे, वेरी कंफर्टेबल। तुम्हारे बाल झड़ रहे? हाँ सर, कुछ दिनों से। हाँ, केडी तुम्हें सच में स्कूबा डाइविंग आती है? नहीं आती तो आ जाएगी, एक समय था तबे जब वकालत भी नहीं आती थी मुझे, आ गई। ये लो डीएनए टेस्ट करो। पानी में चाकू लिए ड्राइवर कहां से आया होगा? इसी शिप से दर है, क्योंकि इसके डाइविंग सूट पर ओमेगा लाइनर का लोगो था। दबे आते हैं। थैंक्स सर, अच्छा रिसेप्शन देते हैं आप अपने मेहमानों को। सर थैंक यू, तुम नहीं होते तो मेरा केस डिसमिस हो जाता। लेकिन क्लियरली कोई है जो नहीं चाहता मैं ये केस सॉल्व करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे एक बार फिर बताएं उस दिन की कहानी क्या हुआ। योर ऑनर, बचपन से मेरी एक बुरी आदत है। जब बचपन में मेरी दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी और कहानी मेरी समझ में नहीं आती थी तो उनसे सवाल पूछने के बजाय मैं उनसे कहानी दोहराने को कहता था, और जब तक वो कहानी पूरी तरह से मैं समझ नहीं लेता था तब तक मैं बार बार उनसे वो कहानी सुनता था। ये केस भी वैसी ही कहानी की तरह है जो अब तक मेरी समझ में नहीं आई थी। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि रमाकांत देशपांडे हमें एक बार फिर उस दिन की कहानी सुनाए। बताओ रमाकांत, क्या हुआ था? जिस दिन कैप्टन खान ने हमसे बोला कि शिप के प्रोपेलर में जाल फंस गया और उन्होंने मुझे और परा को नीचे भेजा जाल निकालने के लिए। एक मिनट, जब तुमसे डाइव करने को कहा गया क्या उस वक्त तुमने अपना डाइविंग सूट पहना हुआ था? मैंने सिर्फ डाइविंग सूट पहना हुआ था, डाइविंग गियर नहीं। और पराग ने?
जी पराग ने कुछ भी नहीं पहना था, ना ही डाइविंग सूट और ना ही डाइविंग गियर। गुड, फिर? फिर मैं अपने कैबिन में गया और वहां जाके मैंने अपना डाइविंग गियर पहना। इस दौरान कुछ और काम भी किया तुमने? जी नहीं, बस अपना डाइविंग गियर पहना, चेक किया और बाहर आ गया। तो रमाकांत, कितना समय तुम्हें लगा बाहर आने में? यही कोई 5-6 मिनट। तो तुम्हें अपना गियर पहनने को कितना समय लगा? यही कोई 4-5 मिनट। और तुम्हारे बाहर आने के कितने समय बाद पराग वहां आया? कुछ ही सेकंड बाद। कुछ ही सेकंड बाद? ये कैसे मुमकिन है? तुमने अपना डाइविंग सूट पहले से पहना हुआ था, लेकिन डाइविंग गियर पहनने में तुम्हें 4-5 मिनट लगे, और पराग उतने ही समय में डाइविंग सूट और डाइविंग गियर दोनों पहनकर बाहर आ गया। हाउ इज इट पॉसिबल? जाहिर है पराग के तैयार होने की स्पीड रमाकांत से कहीं ज्यादा थी। प्रोसिक्यूटर साहब, ये कुर्ता पजामा नहीं कि पहना और हो गया। डाइविंग सूट और डाइविंग गियर पहनने में बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। अगर एक भी गलती हो गई तो डाइवर की जान भी जा सकती है। योर ऑनर, एक डाइवर को डाइविंग सूट और गियर पहनने में कम से कम कितना समय लगता है, यह मैं इस वीडियो के जरिए दर्शाना चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, एक डाइवर को डाइविंग सूट और गियर पहनने में कम से कम 9 मिनट लगते हैं, 9 मिनट्स। मैं कैप्टन खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। कैप्टन खान, आप तो बहुत ही माहिर डाइवर हैं। डाइविंग सूट और गियर पहनने में आपको कितना समय लगता है? जी यही कोई 9-10 मिनट। 9-10 मिनट। आपकी शिप पर कोई और है जो आपसे तेज ये काम करता हो? जी सिर्फ एक ही शख्स है, वो है ड्राइवर तांबे, लेकिन सिर्फ 20 या 30 सेकंड तेज है बस। नहीं नहीं, पूरे 5 मिनट जैसे कि पराग था। इम्पॉसिबल, इतनी तेजी से तो कोई भी पूरा डाइविंग कॉस्ट्यूम और गियर नहीं पहन सकता। कैप्टन खान, अगर डाइविंग सूट और डाइविंग गियर 9 मिनट के नीचे पहनना इम्पॉसिबल है, तो उस दिन पराग ने 5 ही मिनट में ये पूरी तैयारी कैसे कर ली? इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता। आप बैठिए, सोचिए इसके बारे में, मैं भी सोचता हूं। योर ऑनर, तब तक मैं बुलाना चाहता हूं ओमेगा लाइनर के कैडेट बोरकर को, जो उस दिन डेक पर काम कर रहा था। बोरकर, उस दिन जब रमाकांत ऊपर आया और उसने कैप्टन खान से मदद मांगी, तो दो डाइवर्स नीचे उतरे थे, राइट? हाँ सर, पहले जॉनसन फिर तांबे। राइट, आपने दोनों को नीचे उतरते देखा? ठीक से नहीं सर, बस मैंने देखा कि जॉनसन ने पहले ऊपर से डाइव मारी, फिर तांबे नीचे उतरे सिप की सीढ़ियों से। और पराग और रमाकांत कैसे उतरे थे? सर वो भी सिप की सीढ़ियों से उतरे थे। योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि इतना हैवी इक्विपमेंट लेकर बड़ी सावधानी से उतरना पड़ता है पानी में, ना कि शिप के ऊपर से हीरो की तरह पानी में डाइव मार दिया जाए, जैसे कि जॉनसन ने उस दिन मारा था। जॉनसन को कटघरे में बुलाकर उनके इस हीरोइक एक्ट की वजह पूछना चाहता हूं। जी अब मैं मानता हूं कि हमें सिखाया गया है कि पानी में धीरे से उतरना चाहिए, लेकिन पराग जी की जान बचानी थी इसलिए मैंने वक्त बचाया और शिप के ऊपर से कूद गया। ये जानते हुए कि शिप के ऊपर से कूदने के कारण तुम्हारा इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, स्टिल एनीवे, कैप्टन खान के कहने पर तांबे और तुम पानी की तह तक गए, जा तुम्हें पराग की बॉडी मिली और वो बॉडी लेकर तुम दोनों ऊपर आ गए। जी तो कितने समय तक तुम और तांबे पानी के नीचे थे, अंडर वाटर थे? लगभग 20 मिनट।
मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तांबे और तुम एक साथ पानी के नीचे गए और एक साथ ऊपर आए रमाकांत के साथ पराग की बॉडी को लेकर। दोनों उतने ही समय तक नीचे थे, इस लिहाज से दोनों का ऑक्सीजन टैंक का लेवल सेम होना चाहिए। लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की है जॉनसन की तांबे का ऑक्सीजन टैंक अभी भी आधे से ज्यादा भरा हुआ है, जबकि तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक ऑलमोस्ट खाली है। ये कैसे हो गया? मेरे मैथमेटिक्स के अनुसार तुम 20 मिनट नहीं पूरे 45 मिनट अंडर वाटर थे। क्या यह सही है जॉनसन? ये कैसे हो सकता है? जॉनसन और तांबे पानी में एक साथ नीचे उतरे और एक साथ बाहर आए। हो सकता है ये सिलेंडर रीडिंग भी फॉल्टी हो। लेकिन है नहीं प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, दोनों सिलेंडर्स के फोरेंसिक्स की जांच के मुताबिक मीटर रीडिंग्स बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप मिस्टर जॉनसन 45 मिनट तक अंडर वाटर थे। 45 मिनट्स जो इत्तेफाक से रमाकांत की भी टाइमिंग है। रमाकांत और आप दोनों 45 मिनट पानी के नीचे थे। केडी क्या मतलब है तुम्हारा? दोनों का एक ही टाइम यानी कि? योर ऑनर, इसका मतलब यह है जॉनसन और रमाकांत केवल एक साथ पानी से बाहर नहीं निकले बल्कि एक साथ पानी में गए भी थे। लेकिन रमाकांत के साथ तो पराग उतरा था। अनफॉर्चुनेटली मिस माया फडनिस, वो पराग नहीं जॉनसन था। योर ऑनर, डाइविंग सूट से पूरा बदन और पूरा चेहरा कवर हो जाता है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होता है, और खासकर जब सारे डाइविंग सूट्स एक तरह हो तो किसी को धोखा देना बहुत ही आसान है। मैं बताता हूं कि उस दिन क्या हुआ। योर ऑनर, उस दिन जब कैप्टन खान ने रमाकांत और पराग को डाइव करने के लिए कहा तो पराग तैयार होने के लिए अपने कैबिन में गया, जहां जॉनसन पहले से मौजूद था अपना डाइविंग सूट पहने। उसने चाकू से पराग की हत्या की। अपने बाकी का डाइविंग गियर पहना और 5 मिनट के अंदर बाहर आ गया पराग बनकर। उसके बाद योर ऑनर, रमाकांत और जॉनसन ने पानी में डाइव किया। पानी में जाते ही जॉनसन ने जाल में फंसने का बहाना बनाकर रमाकांत को ऊपर भेज दिया। तुम्हारी कहानी में एक लूपहोल है केडी। अगर पराग की लाश ऊपर थी तो वो समंदर की तह में कैसे पहुंचे? That's the master stroke, Miss Maya Fernandez. जब कैप्टन खान ने तांबे और जॉनसन को पानी में जाने को कहा तब जॉनसन तांबे के साथ पानी में कूदा नहीं था, उसे पानी में फेंका गया था। You mean to say कि पराग कभी पानी में उतरा ही नहीं था? Absolutely, Your Honor. अदला बदली, पराग की जगह में जॉनसन ने डाइव और जॉनसन की जगह पर पराग की बॉडी को पानी में फेंका गया। उसके बाद जॉनसन बड़ी होशियारी से जाकर रमाकांत और तांबे के साथ मिल गया ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो तभी पानी में उतरा था। तीनों समंदर की तह तक गए जहां उन्हें पराग की लाश मिली। एक और मिस्टेक है केडी। अगर जॉनसन सारा समय पानी के नीचे था तो पराग की लाश को ऊपर से किसने फेंका?
जॉनसन्स पार्टनर इन क्राइम। तांबे, ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, तांबे ने ही पराग की लाश को शिप के ऊपर से पानी में फेंका था और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने तांबे का बॉडी सूट पहना जिसके अंदर जगह जगह ये बाल मुझे मिले। एंड योर ऑनर, फोरेंसिक्स के मुताबिक ये बाल पराग दीक्षित के हैं। उसकी लाश को पानी में से निकालते टाइम झूठ मत बोलो तांबे, पराग की लाश को तुम नहीं रमाकांत और जॉनसन पानी के ऊपर लाए थे। और वैसे भी योर ऑनर, लॉजिकली पानी के अंदर डाइविंग सूट पर बाल चिपक नहीं सकते क्योंकि बाल पानी में बह जाते हैं। जब तुम पराग की लाश को डाइविंग सूट पहनाकर उसके कैबिन से बाहर लाए और उसकी लाश को पानी में फेंका। एक्चुअली मैं, तांबे और पराग एक ड्रग्स स्मगलिंग गैंग के लिए काम करते थे। ये गैंग ऐसे ही कार्गो के तले बेस में मैग्नेट के जरिए ड्रग्स लगा देती थी ताकि ऊपर किसी को पता ना चले। और फ्यूल ड्रग्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाती है, फिर हम वो चुपके से वो ड्रग्स निकालकर वहां के एजेंट को बेच दिया करते थे। मगर पराग ये धंधा छोड़ना चाहता था और मुझे और जॉनसन का डर था कि कहीं वो हमारे लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए हमने उसे मारने का प्लान किया। शिप के ऊपर के सारे कैमरे बिगाड़ दिए, नीचे जाल लगाया, फिर वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था केडी। और उस दिन मुझ पर हमला करने की बेवकूफी किसने की थी? तांबे ने। उसे डर था कि आप हमारे लगाए हुए ड्रग्स को ना देख ले, इसलिए सर आपको रोकने के लिए उसने आपके ऊपर हमला किया। लेकिन मैं बच निकला। अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों अब नहीं बच सकते। आई रेस्ट माय केस योर ऑनर। यह अदालत मैथ्यू जॉनसन और महेश्वर तांबे को पराग दीक्षित के कत्ल में दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और रमाकांत देशपांडे को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आज आपने मेरे बेटे को बचाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अब एक उपकार आप भी करिए मुझ पर। कहिए। आपके पति के किसी दोस्त से पता लगवाइए ना कि मेरे गुरु गोखले सर का है। जरूर। एंड ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस केडी, इस बार मुझे पूरा यकीन था कि तुम केस हार जाओगे। हाँ मुझे याद है तुमने कहा था कि मेरा केस डूब गया, लेकिन नहीं डूबा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। After you. Am I right or? Right. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.